ये हमारा रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप है, इसके सारे पार्ट्स यहाँ पर हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे असेंबल करना है टेलीस्कोप को, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ट्राइपॉड को असेंबल करेंगे, ट्राइपॉड में माउंट को लगाएंगे, उसके बाद उस पर ट्यूब लगाएंगे। तो असेंबल कैसे करना है वो देखिए, ये देखिए आप, ये माउंट है। माउंट में आपको पहले तीनों लेग्स को लगाना है, सबसे पहले इस तरह से। यहाँ पर नीचे तीन स्क्रूज भी रखे हैं, ये रे, इसकी हेल्प से आप माउंट को लगाएंगे, ये देखिए। अभी माउंट में लेग्स को तो जोड़ दिया, लेकिन इनको स्टेबल करने के लिए देखिए वाला पार्ट आपको लगाना है बीच में। इसको कैसे लगाने बताते हैं, एक मिनट। ये अब देखिए ट्राइपॉड पूरा असेंबल हो चुका है। इसके ऊपर हमें बस अपनी ट्यूब लगानी है। ट्यूब कैसे लगाएंगे वो आपको बताते हैं। ये रही ट्यूब। इस ट्यूब को आपको ऐसे लगाना है कि ये इसके स्लॉट में इसके दोनों पार्ट्स चले जाएंगे। लगाने के बाद यहाँ पर देखिए दो स्क्रूज़ हैं, ये रे, ये दोनों स्क्रूज़ हमें ट्यूब में लगाने हैं दोनों तरफ। लगा के दिखाते हैं। ट्यूब को मूव करने के लिए यहाँ पर एक नॉब दे रखा है, ये नॉब है, इसको लूज़ करेंगे तो मोमेंट आएगा ट्यूब में, टाइट कर देंगे तो रुक जाएगी। अब देखिए, अब हमें लगाना है फाइंडर स्कोप। ये जो रिंग्स हैं ये फाइंडर स्कोप के लिए है। पहले ये स्क्रूज़ को लूज़ कर लेना है। स्क्रूज़ को लूज़ करने के बाद ये इसमें अंदर चला जाएगा। स्क्रूज़ को वापस टाइट कर देना है जिससे कि ये लूज़ ना रहे। हो गया, अब टेलीस्कोप पूरी तरह से असेंबल हो चुका है। इसके बाद देखिए, आप कोई सा भी एक आईपीस लेंगे, आपको दो आईपीस हमने दे रखे हैं, कोई भी आप आईपीस लेंगे। हमने 25mm का आईपीस लिया और इसको यहाँ लगा देंगे फोकसर में। फोकसर में इंसर्ट करके यहाँ से टाइट कर देना है कि आईपीस गिरे नहीं। उसके बाद आपको जो भी ऑब्जेक्ट आप देखना चाहते हैं उसकी तरफ फोकस करेंगे। सामने एक डिश है, हमने उस डिश की तरफ फोकस कर लिया और अब आईपीस में से देखेंगे। आईपीस में से देखते हुए यहाँ से हम फोकस करेंगे। फोकस करने का मतलब यह है कि इमेज क्लियर होती जाएगी इसको नॉब को घुमाने से। तो आप ट्राई करते हैं आईपीस के ऊपर, सॉरी डिश के ऊपर ट्राई करते हैं। यस, ये देखिए काफ़ी क्लियर और बहुत क्लोज दिख रहा है। आप इसमें दिखाइए एक बार।